हाय गाइस, टाइम इज़ 10:20। सुबह सुबह पोजीशन डिप्लॉय करी थी और उसका सब देख रहे हो। मार्केट खुलते ही टूटना शुरू हो गया और 18,350 से लेकर अभी 18,200 के लेवल पे अभी हमारे को नेट लॉस हो रहा है। ऑलमोस्ट 1-2 पॉइंट का आप समझ लो। अभी देखो, इतने बड़े डाउन मूव में सिर्फ 2 पॉइंट का लॉस हो रहा है और वो इसलिए पहली पोजीशन खोली थी हमने 18,000 और 18,600 600 पॉइंट की। अब हम बैठे हैं 400 पॉइंट की स्ट्रैंगल पे। ये मेरे पास वो नहीं है, अपना फंड्स नहीं है इसलिए ऐसे, बट अनबैलेंस है क्योंकि पुट पे पूरा प्रेशर बनता जा रहा है क्योंकि मार्केट डाउन मूव है। बट देखते हैं क्या होता है। टाइम इज़ अबाउट 1:52। पोजीशन तो मैं बंद कर चुका हूँ बहुत पहले ही। नेट लॉस फॉर द डे इज़ 1.5K। तो मैंने अपनी स्ट्रैंगल को मैक्सिमम प्रॉफिट में देखा था 0.5% के, 5,000 के। फिर वो 3,000 गया, यहाँ से निफ्टी पूरा रैली करा ऊपर तक। 3,000 पे बंद कर देना चाहिए था क्योंकि काफ़ी देर तक 3,000 पे प्रॉफिट रहा बिना किसी डीके के और कोई मूवमेंट के बिना। बट वो ग्रीड मेरे अंदर थी यार, 3,000 में नहीं बंद करना, नहीं बंद करना। फिर इस पॉइंट पर आकर 300 पे जाके मैंने एग्ज़िट ले लिया। 1.5K का लॉस था, मतलब 1.5 पॉइंट्स, तो कुछ ज़्यादा नहीं है। मतलब मेरे को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये लॉस लॉस नहीं होते, ये तो ठीक है। बट बुक कर लेने चाहिए 3K पे क्योंकि जब दिख रहे आगे कुछ होने को नहीं है तो फिर एग्ज़िट करो, घर चलो। बट ठीक है, ग्रीड पकड़ लेते हैं एक बार। इट इज़ व्हाट इट इज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।